चाहेंगे, ये जो पूरा हफ्ता था बाजार का अच्छी तेजी देखने को मिली, ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव थे और 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग हम फाइनली करके गए। अब अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, बाजार के लिए हम लोगों ने जो क्लोजिंग दिया है तो काफी अच्छा माना जाएगा। 22,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हायर लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा। अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलना चाहिए। 21,870 से लेके 21,900, ये आपका, अगर आप लॉन्ग साइड के पोजिशन में बैठे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैंने मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को शॉर्ट का पोजिशन रिकमेंड करते आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि एक ट्रिपल टॉप वाला फॉर्मेशन बन चुका है और यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग जो बिकवाली करेंगे वो रेंज में बिकवाली करेंगे, 22,050 से लेके 22,300, इस रेंज में बिकवाली करना हम लोग पसंद कर गए। तो इस वजह से कहना चाहूंगा कि जिनका भी लॉन्ग है वहां पे एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए 21,900 के आसपास का। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी जब तक 46,146,000 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हो। यहाँ से एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। सिर्फ अभी के लिए देखना पड़ेगा कि जो पीएसयू बैंक में जो रैली आई थी वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और एसबीआई जैसा रिबेट काउंटर में थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी डिस्टर्ब हो सकता है। तो 46,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके चल रहे हो।